बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। और आज जो है मैंने फिर अपनी फ्रेंड जो है तस्नीमा पारा, जिनकी आपने कल वीडियो देखी थी रोल गोल और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो उनसे ही मैंने एक और रिक्वेस्ट करी कि एक नमकीन चीज भी हमें सिखाएं। तो आइए हम तस्नीम से मिलते हैं और इनसे डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोगों ने रोल गोल ट्राई करने का ज़रूर सोचा होगा। प्लीज़ डू ट्राई इट और गिव मी अ फीडबैक, इंशाल्लाह यू विल लाइक इट। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम दोबारा ये एक सूरतियों की स्पेशल ईद की डिश बना रहे हैं, कलिया ख़ास। इसमें मुर्ग मुसल्लम इस्तेमाल होती थी, लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद होता गया, लोग घर पे नाराज़ होने लगते थे, सासों से कहते थे कि नए कपड़े पहन के चिकन को तोड़ना फोड़ना तो पीसेस में बनाइए। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी सबके घरों में ये फुल मुर्गी से बनती थी मुर्ग मुसल्लम। इसमें अंडे, आलू, दही, चूरा की हुई लाल प्याज, किशमिश, बादाम, आलू बुखारा, जर्दा, जर्दे का रंग, ज़ाफ़रान और साबुत मसालों में दालचीनी और इलायची छोटी, ये सब जाएगी। ठीक है, पहले काम हम इसका ये करेंगे कि इसकी मैरिनेशन करेंगे। हम पहले मैं डालती हूँ ये अदरक लहसुन, नमक जो है एक टीस्पून तो जाएगा, एक छोटी मुर्ग है एक, क्योंकि ये फ्राई होगी थोड़ी, मसाला जलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हाथ रोक के चिकन में ये डाल रही हूँ। लाल मिर्च, वैसे भी लाल मिर्च जो है ये कलिया ख़ास में बहुत कम जाती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस कलिए में थोड़ी सी शाही अंदाज है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला ये नहीं होता, बहुत ज्यादा सिंपल है और खाने में सही बन जाती है। जी हाँ, सब आजकल बजट फ्रेंडली भी लोगों को जो है वो सही रहता है ना, इतनी महंगाई हुई हुई है तो अच्छी है ये। अच्छा, आप इसको जब घर पे बनाएं तो प्लीज इसको एक घंटा मैरिनेट कर दें। ठीक है ना, आप हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमने जैसे उसको जल्दी लगाई और अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में क्या होगा कि आपकी बहुत फ्राई नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ हल्की सी इसको कलर देंगे, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत चिकन जो है गल जाएगी। अंदर तक देखिए मैंने मसाला लगा दिया है, पूरा बिल्कुल सही लग गया है। आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर। चलिए आइए हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं। हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है, आपने देखी। इस आलू को मैंने छोटे बेबी पोटैटोज़ की खूबसूरती होती है इसलिए लिया है, आपके पास बेबी पोटैटोज़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आलू को भी हाफ स्लाइस करके उसको यूज़ कर सकती हैं। अब पहले इन पोटैटोज़ को मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा घी इस्तेमाल किया है इसमें, और जो है इसमें आलू को फ्राई कर लिया है, क्योंकि थोड़े से ब्लांच है और थोड़े से फ्राई होंगे तो उससे क्या होगा कि आपके आलू को कच्चापन निकल जाएगा। इसको फ्राई करके निकाल देंगे, फिर इसी तेल में हमने ये चिकन, इसको मैं टाई अप करती हूँ और चिकन को फ्राई करेंगे। इसको भी थोड़ा कलर दे लें। चलो ये हो गया हमारा अंडा, इसी में थोड़ा थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। आलू इसमें कच्चे नहीं डाले जाते हैं और बिल्कुल उबले हुए भी नहीं डाले जाते हैं, इसलिए मैंने ब्लांच करके इसको हल्का सा फ्राई कर दिया है ताकि इसकी खाने का जायका भी बेहतर रहे और अच्छा भी लगे देखने में भी। आप बड़े पोटैटोस हो तो हाफ करके ले लीजिएगा, उसी तरह उसको जर्दे का रंग लगा के थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। अंडे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी कोटिंग हमें सख्त नहीं करनी है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको थोड़े से ही ट्रिम कर ली। ठीक है, ये हमारे आलू लाल हो गए हैं, अंडे को भी मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। साबुत मसाले में आप देख रहे हैं दालचीनी और इलायची। अच्छा, पहले जो है ज़ाफ़रान भी इसमें इस्तेमाल होता था चिकन को ज़रा सा हल्का सॉटे करने के दरमियान ही, लेकिन इसलिए उसको छोड़ दिया कि जब आप चिकन को ये करते हैं तो आपका ज़ाफ़रान जल जाता है। और इसको करवट दिलाएंगे हम और बारी बारी चारों तरफ से ये देखें कलर इस तरह इसका चेंज होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद करवट करवट इसे बदलना है। ये मैं से इस तरह तेल डाल रही हूँ ताकि जो लेग का पीस है उसको हमने टाई कर लिया है, तो उसके लिए भी अंदर अंदर उसकी थोड़ी सी तेल से और घी से सोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी चिकन मुकम्मल बड़ी अच्छी फ्राई हो गई। आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा ढक के कुक कर सकते हैं। अब ये हमारी, हमने दही लेनी है, इसका मसाला चिकन का तैयार करेंगे। हमने 1.5 पाव दही लेनी है, इसमें आपने डाला ज़ाफ़रान, ठीक है, आलू बुखारा, बादाम, चूरा की हुई प्याज,
ठीक है। अब मुझे चाहिएगा इसमें फूड कलर, ठीक है, नमक और मिर्च, क्योंकि हमने इसमें भी डाला है चिकन में भी, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा कि आपकी नमक और मिर्च तेज़ ना हो जाए। एक मैंने पहले भी डाली थी एक टीस्पून, और एक टीस्पून अब भी डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, आमतौर पर हम घरेलू ख़वातीन जो है इन सारी चीज़ों को चख लेती हैं। आप भी चाहें तो इस स्टेज में अपना चख लें कि अपने हिसाब से आपने नमक मिर्च आपकी सही है कि नहीं। मेरे ख्याल में प्याज में पूरी ले लूँगी, ठीक है। किशमिश में बाद में डालूंगी, बहुत जल्दी पक जाएगी तो आखिर में इस्तेमाल होगी। इसी के साथ आपने आलू भी डाल देने हैं, क्योंकि आलू को अभी थोड़ा सा गलना है, तो ये दही के पानी में और इस मसाले में ये गल जाएंगे, ठीक। अब हमने हमारा ये चिकन का पूरा मसाला चिकन के साथ जाएगा। ये आपने सारा मसाला इसका ले लिया, पानी भी डाल दिया, और अब इस चिकन को हम पकने के लिए छोड़ देंगे अनटिल ये पूरी गलने लगेगी, क्योंकि आलू भी इसमें गलने हैं और चिकन को भी इसी पानी मसाले में दही और प्याज के गलाना है, ठीक है। इन इस दौरान हमें उलट पुलट इस चिकन को करनी है, पहले इस साइड में हम गला लेते हैं, उसके बाद उसको फिर टर्न करेंगे और नेक्स्ट साइड से गलाएंगे। दरमियानी आंच पे पकानी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं, क्योंकि आपका मसाला भी जल्द खुश्क हो जाएगा, जल भी जाएगा और चिकन कच्ची रह जाएगी। चिकन को हमें कच्चा नहीं है, गो के किचन हल्की सी सुर्ख हुई है लेकिन फिर भी कच्चापन रह जाएगा। चलिए इसको मैं कवर करके छोड़ देती हूँ कम अज़ कम आधे घंटे के लिए। आँच में थोड़ी सी तेज करती हूँ। ओके जी जनाब, अब हमारी थोड़ी सी कुकड़ को भी देख लेते हैं। वाव, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए इसका रंग रूप कितना खूबसूरत आया है। प्याज का अच्छा होना ज़रूरी है, दही का फटना नहीं चाहिए कि दही फट के आपकी दोनों चीज़ें अलग हो जाएं। देखिए मसाला बिल्कुल यकजान है माशाल्लाह, ठीक है। अब इस स्टेप पे आके चिकन काफ़ी हद तक एक साइड से गल गई थी, मैंने उसको टर्न करके दूसरी साइड से गलाने के लिए रख दी है। अंडे जो हैं आखिर में जाएंगे, सिर्फ डिश आउट करने से 5 मिनट पहले थोड़ी सी किशमिश में डाल देती हूँ। किशमिश से भी उसका एक फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आएगा, थोड़ी सी मिठास के साथ आएगा, ठीक है। किशमिश भी डल गई, अब ये मजीद 10 मिनट्स पकेगी, बल्कि मैं अंडे भी डाल ही देती हूँ। डिश आउट करते हुए हम इसको सिर्फ हाफ स्लाइस कर लेंगे, ताकि ये भी इन मसालों में अच्छे से यकजान हो जाए। देखिए तेल और घी भी बड़ा अच्छा आया है, आप मसाला देख रहे हैं कितना अच्छा यम्मी मसाला है। ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पकी है, हर तरफ से पकनी चाहिए। आलू भी हमारे टेंडर हो चुके होंगे जो हमने साबुत डाले थे और फ्राई भी किए हुए थे, इसलिए यकीनन अब तो हो गए होंगे। चलें ठीक, थोड़ी देर में ये हम डिश आउट कर लेंगे, हमारा कलिया खास तैयार है। क्यों? ओ हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, और देखिए क्या मेरे खूबसूरत चिकन पक के तैयार हो गई है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, तेल सारा जो है साइडों पे आ चुका है, मसाला भी बिल्कुल भुन के तैयार है, ना दही का कच्चापन है ना लाल प्याज की आपको जरे नजर आ रहे हैं, चिकन भी पूरी फुली पक गई है। अब इसको हम इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं और आपकी खदमत में पेश करते हैं। इसके साथ आप नान सर्व कीजिएगा, नान के साथ बड़ी अच्छी लगेगी, बेकरी के नान हो तो और ज्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत मजे की है। वंस अगेन तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कहने पे मेरी रिक्वेस्ट पर आई और जो है आपने इतनी अच्छी रेसिपीज मेरे साथ शेयर करी। शुक्रिया आपका, बस आप खाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये है हमारा आलू। अच्छा, इसमें एक और भी बात यह है कि इसमें ना हरा धनिया ना पुदीना ना गरम मसाला कोई चीज भी नहीं जाती है, ठीक है, इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। नहीं, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट रेसिपी है, और सबसे बड़ी बात है कि घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है और टेस्ट जो है बहुत डिफरेंट है। रेसिपी पसंद आई होगी, चलें। और अगर आप
और भी चीजें सीखना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे तस्नीम से कि वो आए हमारे चैनल पे और हमें मजे मजे की रेसिपीज सिखाएं, अपनी गुजराती सूरती रेसिपीज। तो इंशाल्लाह ऑल सेट, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और तस्नीम वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह खाना नसीब करे, आमीन।